नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग एंड डेयरी यूट्यूब चैनल पर। मैं सेख सिंह फार्मिंग एंड डेयरी पर यूट्यूब चैनल पर फार्मिंग और डेयरी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि पांच जो है बेस्ट किस्में जो होते हैं, बेहतरीन किस्में जो हैं गेहूँ के, उनके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप लोग भी जो उस गेहूँ की जो किस्में हैं उनको लगा कर अपने खेत में अच्छी उत्पादन ले सकें। दोस्तों, अच्छी उत्पादन के लिए किस्में सिर्फ नहीं जिम्मेदार होती हैं, अगर आप किस्में लगा रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है। तो वो भी आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, अब मैं किस्में बताता हूँ, वो लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि उतना उत्पादन नहीं आया जितना आप बताएं। देखिए, अब किस्में लगाना तो पहली एक कदम है आपको, जो अच्छी अगर उत्पादन लेनी है तो उस बाद उसका सीजन कैसा रहता है, उस बाद उसका आप कैसा दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को, उस पर निर्भर करता है। किस्में जो है आप लोग को अगर आप देंगे उसको जो भी फेवर करने उतना वो कर देगा, ठीक है। तो आज मैं जो सबसे अच्छी ज़्यादा किस्में देते हैं जो गेहूं की फसल, उसके बारे में आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो है पांच किस्में जो हैं, बहुत सारी किस्में हैं लेकिन पांच किस्में जो हैं वो जो हैं मैं टॉप जो सबसे बेहतरीन पांच किस्में उनके बारे में आज बताऊंगा। वैसे बहुत सारी जगह पे अपनी अपनी यूज़ की जाती है किस्में, लेकिन जो भारत के क्षेत्र में जो पांच जो किस्में यूज़ की जाती हैं उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो फिर दोस्तों, आप लोग को जो है सबसे पहले जो है गेहूं की जो है समय को देख लेना है, आप लोग कब उसको लगा रहे हैं, उसके बाद ही आप लोग को लगाना है। पहली जो किस्में हैं हाई 8759, हाई HI8759, ये जो किस्में हैं बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देता है, जो किसान बहुत सारे किसान लगाते हैं, भाई लगाते हैं इसको, उनको जो है बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। ये 77.6 टन पर हेक्टेयर जो है आपको उत्पादन देता है। तो फिर एक तरह से जो ये वन नंबर पे है, मैं बता रहा हूँ, पहला जो है ये जो है सबसे ज़्यादा जो टॉप वन में ये आता है, सबसे ज़्यादा ये उत्पादन देता है गेहूँ का ये किस्म जो है। और दूसरा नंबर पे जो आता है उसके बताने से पहले मैं आप लोग बता दूँ कि पहला जो था उसका नाम जो है, एक तो आप लोगों को जो HI8759 जो मैं आप लोग बताया उसको जो है पूजा तेजस उसको बोलते हैं लोग बहुत जगह पे। और दूसरी जो किस्में हैं उसका नाम है HD 4728, इसको जो है पूसा मालवी जो बहुत जगह बोलते हैं। इसका जो उत्पादन जो है एवरेज उत्पादन की बात करें तो 5.46 जो है, अगर अच्छा इसको कंडीशन नहीं भी मिल रहा है फिर भी जो एवरेज इसको जो है आप लोग को इसके एवरेज 5.42 टन जो है पर हेक्टेयर मिल सकता है। अगर अच्छा अगर प्रोडक्शन दे रहा है, बेहतर सब कुछ बढ़िया है ना, उसको सीजन में वेदर भी सही मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी सही मिल रहा है, खाद भी अच्छा जाने तो इसको वो सब मिल रहा है, तो ये जो है 6.8 टन पर हेक्टेयर देता है। 6.8 टन पर हेक्टेयर मतलब कि वो जो दे रहा था जो वन नंबर पे था 7.6 टन पर हेक्टेयर दे रहा था, और ये 6.8 टन पर हेक्टेयर दे रहा है। और तीसरे नंबर पर है HW5207, इसको जो है काओ थ्री जो इसको बोला जाता है, इसका जो उत्पादन जो है 4.8 टन पर हेक्टेयर होता है। अगर ये जो है डिपेंड करता है कि उस समय उसका कंडीशन जो, अगर इसको पूरी तरह से अगर नहीं मिलती है जो उसको वेदर जो इसको चाहिए नहीं मिलते तो इसका जो प्रोडक्शन बहुत कम जाता है, इसलिए जो इसका एवरेज प्रोडक्शन जो है 4.8 टन, अगर अच्छा इसको मिलता है तो इससे भी ज़्यादा ये जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप के आप जहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है उस जगह पर। ये ज़्यादा जो है तमिलनाडु स्टेट में लगाया जाता है, वहाँ पर इसका जो अच्छा उत्पादन मिलता है, ठीक है। तो फिर आप देखें अपने क्षेत्र में कौन सा, मैं जो पूरे बिहार में कौन सा ज़्यादा उत्पादन पाने वाला मैं बता रहा हूँ। दूसरा आता है आप लोग को बता दो, दूसरा जो है HD 3171, ये भी जो है चौथे नंबर पे आता है, इसका भी उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा आता है। इसका उत्पादन रेट जो है इसका भी डिपेंड करता है कि आप जो है कैसा जो किस क्षेत्र में लगा रहे हैं। इसका जो अगर बात करें कि
अगर ये कितना प्रोडक्शन दे सकता है, एवरेज की ही बात करेंगे हम, 2.81 टन पर हेक्टेयर देता है, 2.81 टन पर हेक्टेयर, मतलब वो दे रहा था 30 नवंबर, 4 पॉइंट कुछ दे रहा था टन पर हेक्टेयर, और ये 2.8 टन पर हेक्टेयर दे रहा है, मतलब पूरा धीरे धीरे कम होता जाए, यानी कि सबसे जो अच्छा बेस्ट है वो जो मैंने आपको पहले बताया वही है, ठीक है। तो आप जो हैं अगर वो लगा रहे हैं तो उससे आपको अच्छा मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में लगाएं, ठीक है। अब जो बात करने जा रहा हूँ, पाँचवा जो है वो है HD 1605, ठीक है। इसको पूसा उजाला बोलते हैं, पूसा उजाला जो है इसको हिंदी में बोलते हैं बहुत जगह, पूसा उजाला। इसकी जो अगर मैं बात करूँ कि इसका एवरेज कितना अगर ये प्रोडक्शन दे सकता है, तो इसका एवरेज प्रोडक्शन जो है 3 टन पर हेक्टेयर है, और इसका जो अगर पोटेंशियल की बात करें तो 4.4 टन पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो इसका जो एवरेज जो है इसका अच्छा एवरेज है, और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे देख इसमें देखे थे हम लोग जो है HD 1605 में अगर देखे थे, मतलब इस 5 में देखें कि इसमें जो है 4.4 टन पर हेक्टेयर दे रहा है, इसका एवरेज जो है ज़्यादा नहीं गिरता है, तो फिर अगर, और इसमें जो हम लोग बात किए HD 3171 के बारे में, तो इसमें जो हम देखें कि जो एवरेज जो है वो बहुत ही कम है इसका, तो फिर आप जो है यानी कि ज़्यादा अगर आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग बहुत किसान भाई उतना उनके पास गरीब है, उनके पास उतना नहीं खर्चा कर पाते हैं, तो आप जो है इस तरह के जो HD 1605 है वो आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है, पूसा उजाला बोलते हैं इसको। और फिर इसके जो है अगर इसमें बहुत सारा इसमें डिपेंड करता है, बहुत इसमें HD 3171 में जो डिपेंड करता है फेवरेबल कंडीशन पे, तो फिर आप जो हैं इन इन पांच किस्मों में से किसी एक किस्मों को भी लगा सकते हैं अपने क्षेत्रफल के। मैं एक और वीडियो लाऊंगा सारे स्टेट के बारे में, किस स्टेट में जो है टॉप वैराइटीज चलते हैं, उसके वीडियो में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हमारे परिवार जो इस फार्मिंग एंड डेयरी परिवार है, फैमिली है, इस पर आप जुड़े रहें, और फिर और भी लोगों को इसमें ऐड करें। धन्यवाद।